हमारे बच्चे हैं वो सदन साहब के सामने आए और अपना इनाम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर मोहम्मद यूनुस मकतब जामा मस्जिद श्री दरमारी और पहली पोजीशन हाजी बुलंद खान को दिल की अमीर गहराइयों के साथ खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह तबारिक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह नसीब अता फरमाए। अंधेरी रात से जगाकर रोशनी की दुनिया में लाया है, अंधेरी रात से जगाकर रोशनी की दुनिया में लाया है। ऐसी शख्सियतें बुलंद खान जिन्होंने हमें जिंदगी रिश्ते का एक नया रास्ता दिखाया है, ऐसी शख्सियतें बुलंद खान जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। शुक्रिया। और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमारे इलाकों में जरूरत है नातिया मुशायरा का इनेकाद करना, चाहे वो नातिया मुशायरा हो चाहे वो तकरीर। हर एतबार से हमारे इलाकों में जो है इस किस्म के मुसाबकों की और इस किस्म के मुशायरों की बहुत जरूरत है। इनके जरिए से जो है मदारिस के तलबा की सलाहियतों को तो परवान चढ़ता है और नाते है और नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करके मुस्तफा की मोहब्बत का तकाजा ये है कि मेरा हर उम्मत और आज भी उन्हें याद रखा जाता है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो जनाब हाजी बुलंद खान का नाम जरूर आता है। हाजी बुलंद खान हिंदुस्तान सियासतदान थे, वो जम्मू कश्मीर के छठे सातवें और आठवें लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा थे। हाजी बुलंद खान का जन्म 1931 को गांव थुरू में हुआ था। थुरू गांव में कोई स्कूल ना था तो उन्हें प्राइमरी स्कूल था एक, वो भी थुरू से बहुत दूर था, तो उन्हें पांचवीं तक ही पढ़ने का मौका मिला और वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिटर भी रहे थे। हाजी बुलंद खान जब पहली बार सियासत में आए तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल बनाने के लिए सोचा। 1970 में सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का जब वो हिस्सा बने और पहली बार एमएलए बने तो उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक जैसा देखा, सारे लोगों को एक ही नजर से देखा और अच्छे काम किए। बदले में 1983 और 1987 दो डॉक्टर साहब जो आज दरमाड़ी में जो प्रोग्राम हुआ मेडिकल का यहाँ पे कैंप लगा हुआ नाशिक का पूरा प्रोग्राम ये तफसील से बताएं। जी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, मैं कॉलेज में कुछ बच्चों को देख रहा था कि वो इस पर्टिकुलर डे के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर साहिबान से पूछा कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो उन्होंने जब हाजी साहब के बारे में बताया तो मुझे लगता है आज भी जो मैंने प्रोग्राम देखा है तो हाजी साहब का इंतकाल आज से लगभग पंद्रह साल पहले हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो यहाँ के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो ज़िंदा हैं। और उसी प्रोग्राम में आज हमने शिरकत की, हमें इनवाइट किया गया था, कॉलेज के बच्चों को भी इनवाइट किया गया था और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हुई और मेडिकल कैंप मैंने देखा है और यहाँ के पूरे इलाके के लोग जो है वो मुस्तफीद हुए इस कैंप से। स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाया गया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम मुझे सुनने में आया कि हर साल यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम
जो है इसका होता है, तो बहुत खुशी की बात हुई और लगा मुझे कि हाजी साहब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। बिल्कुल काफ़ी सुबह से मैं देख रहा हूँ, भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे भी, आज अटेंडेंस भी बहुत कम थी और बहुत जोश और वलवला था। और मैंने देखा कि सिर्फ ये धरमाड़ी से नहीं बल्कि पेरिफेरल एरियाज से भी काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब ये हमें एक यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि जब लोग कुछ काम कर जाते हैं तो उनको लोग याद करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मेडिकल का जो कैंप लगा उसका बेनिफिट मिला, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत सारे काफ़ी लोग और अच्छे डॉक्टर्स, मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर देखे और दवाइयाँ फ्री में दे रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी काफ़ी लोग जो है दवाइयाँ ले रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं इस कैंप से। मेडिकल कैमरा मैडम बहुत काफ़ी रश थे सरपंच साहब, धरमाड़ी में जो आज प्रोग्राम हो और मेडिकल का यहाँ पे कैंप भी लगा रहा हूँ नवाज शरीफ का प्रोग्राम था, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे नाम प्राइस जो है वो भी यहाँ पे बांटे गए, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए, इस पे आपका क्या कहना? देखो जी करामत जी, हर साल 6 जून को ये यहाँ पे हाजी साहब हाजी बुलंद खान साहब मरहूम जो 6 जून को वफात पा चुके थे, तो हर साल 6 जून को यहाँ पे ख़त्म शरीफ कुरान खानी और उनके हाजी साहब के को खराज तहसीन पेश किया जाता है, तो उस सिलसिला में आज भी उसी सिलसिला में 6 जून को यहाँ पे उलमाए कराम आए। पहले नंबर तो कुरान खानी की, फिर ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, फिर नात शरीफ यहाँ पे कंपटीशन ये रखा गया था बच्चों का, तो उसके साथ साथ ऐसे का कंपटीशन था, उसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। तो ये सब जो मकसद जो है ये करने का, हाजी साहब जो इस इलाके की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने जो काम किए हैं तो लोगों को उनके साथ बहुत मोहब्बत थी और आज भी वही मोहब्बत जो है याद दिला रही है हाजी साहब के उन जो काम किए, उन्होंने हर मजहब मिलत को के मुताबिक उन्होंने बहुत सारे लोगों के काम किए हैं, उनकी याद की जाती है। और सभी लोग यहाँ पे जो मेडिकल जो कैंप लगा, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जो है देखने को मिले और लोगों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पे मिला, इस पे आप क्या कहेंगे? जी इसी दिन पर ये जो है इस साल जो शुरुआत की यहाँ पे मेडिकल कैंप की आजाद साहब ने, तो आगे भी ये एक हर बार यहाँ पे मेडिकल कैंप और भी लगाए जाएंगे हाजी साहब की याद में। लोगों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पर कोई बीमार होता है तो फ्री दवाई मिलती है, तो इस तरह के प्रोग्राम फिर भी होते रहेंगे क्योंकि हाजी साहब की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसको हमेशा याद किया जाएगा। कि आप इस तरह से सुबह से 6 बजे से यहाँ इस प्रोग्राम में सब लोग शामिल हैं और कुछ लोग तो रात 10 बजे से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पिछले पूरे हफ्ते ये इस तैयारियों में लगे रहे, और खासतौर पर मैं बच्चों को जिन्होंने इस नातिया मुशारे में शिरकत की और कामयाबी हासिल की, जो ऐसे कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको मुबारकबाद दूंगा, और यही चीजें होती हैं कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी विरासत को जिंदा रखें, उनके किए हुए काम को जिंदा रखें, उनके किए हुए कोशिशों को जिंदा रखें और उस मिशन को हम जिंदा रखें जिस मिशन से उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। आज वो बहुत से बुजुर्ग जो हाजी साहब के साथ चल रहे थे उनमें से बहुत कम लोग इस मजलिस में मौजूद होंगे क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया फानी से चले गए, और ये सिर्फ हाजी साहब को अकीदत थी, उन सब लोगों को एक अकीदत है, उन सब लोगों ने मिलकर हमारे लिए एक ऐसा मुस्तकबिल दिया। और मेरा हमेशा मानना है कि इस मुस्तकबिल को हमें और आगे बढ़ाना है, हमें मोहब्बत इज्जत अख्तदार जो इकदार है हमारे जो कदरें हैं हमारे उनको हमें जिंदा रखना है, और सबसे बड़ी चीज यही है उसी के लिए काम करना है, एक दूसरे के माशरे के अंदर जो इसलाह करने की जरूरत है उस इसलाह को करने में अपना एक हिस्सा अदा करना है, और ऐसे इदारे जो उस इसलाह में काम कर रहे हों उन इदारों के लिए हमें अपने कोशिशें भी करनी चाहिए, अपने काविशें भी करनी चाहिए। मैं यही मुख्तसर सी बात करूंगा और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और ये सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे थे कि एजाज साहब, अमदाज साहब या नंबरदार साहब, ये हमारी शिरकत नहीं, सब लोगों की शिरकत है इसमें, सब लोगों ने काम किया है, हम तो सिर्फ शामिल हैं इसमें भी, और हर एक चीज में अपना अपना हिस्सा अदा किया है,
जो भी इसका जुज था वो सारे जुज में हिस्सा अदा किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह साहब हम सब लोगों को ईमान में रखे, हिफाजत में रखे, अपनी इज्जत में रखे। शुक्रिया। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।